सकता है क्या? कर सकता है? 60 करोड़ गरीबों के जीवन में दीपक जलाने का काम मोदी जी के अलावे और कोई कर सकता है क्या? भाइयों बहनों, ये लोग अपने परिवार के लिए निकले हैं और मोदी जी उनका परिवार ही 130 करोड़ भारतीय है। 130 करोड़ भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताओ, डुमरियागंज वालों सोच कर बताना भाई, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये पाकिस्तान के नेता कहते हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, और कांग्रेस के नेता भी कहते हैं उनके पास एटम बम है, उनका सम्मान करो। अरे राहुल बाबा, एटम बम से डरने वाले भाजपा वाले नहीं है, नहीं है। मैं आज डुमरियागंज की जनता को कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा, और हम उसको वापिस लेकर रहेंगे, ये हमारा निर्धार। भाइयों बहनों, इन लोगों की मानसिकता देखिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर दे देंगे? अरे भाई, एटम बमों से देश के मसले हल नहीं होते हैं, नेता के एटम बम जैसे वज्र इरादों से होते हैं, जो मोदी जी में है। मोदी जी में भाइयों बहनों, जब मैं 370 हटाने का बिल लेकर खड़ा हुआ, मोदी जी ने एक बड़ा फैसला किया। तो उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज में अमित शाह चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, और उत्तर प्रदेश के बाद अब बात करते हैं उड़ीसा की, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार की जरूरत है उड़ीसा में, लैंड स्कैम माफियाओं पर एक्शन की जरूरत है। यूपी की तरह ओडिशा में भी चलेगा बुलडोजर। जिस तरह से ओडिशा में खनन माफिया, रेत माफिया एक्टिव नजर आते हैं, जनता परेशान है, इससे मुक्ति मिले इसके लिए योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार चाहिए। कहा क्या है सुनिए जरा। जो चार पीठ स्थापित किए हैं उनमें से पुरी एक है, पुरी के बगैर भारत की सनातन परंपरा की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और इसीलिए जब मैं यहां आया हूं तो मां भगवती के श्री चरणों में यही प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि आपको भी, हम सबको भी इतनी ताकत दे, इतनी ताकत दे कि हम लोग डबल इंजन सरकार उड़ीसा के अंदर ला करके लैंड माफिया, सैंड माफिया, यहां के फॉरेस्ट माफिया, यहां के कैटल माफिया, इन सब को भी यूपी के बुलडोजर की तरह यहां पर भी उसका रास्ता बनाने का काम कर सके। और इसी बीच अगली खबर आपको बता दें, वरुण गांधी के सवाल पर मेनका गांधी चुप्पी तोड़ते हुए कहती हैं कि सब अपनी किस्मत अपना रास्ता खुद ढूंढेंगे, जिसको जो मिला है उसको उतने में खुश रहना चाहिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेनका गांधी ने कहा कि सबको सबकी किस्मत का मिलता है, अपना रास्ता खुद ढूंढेंगे, काबिलियत है तो अपना रास्ता ढूंढ ही लेंगे, सबके अपने रास्ते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेनका गांधी जो कि सुल्तानपुर से बीजेपी की टिकट पर चुनावी मैदान में है, और वरुण गांधी भी अपनी माँ के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वो सुल्तानपुर की जनता को कह रहे हैं कि आप मेरी माँ को नहीं बल्कि अपने सुल्तानपुर की माँ को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेनका गांधी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। सबकी अपने अपने रास्ते हैं, अपने अपने किस्मत हैं, इससे ज्यादा क्या बोलूंगी मैं। अगर काबिलियत है तो सब अपना रास्ता ढूंढेंगे। मैं एक और दूसरे की काबिलियत पर कभी बोलती नहीं हूँ। सबके अपने अपने रास्ते हैं, सबके अपने अपने तरीके।
तो इस वक्त जिस तरह से अभी इस वक्त राजनीति होती नजर आ रही है आप साफ तौर पे देख रहे हैं। और चलिए अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। सुल्तानपुर में मां के लिए प्रचार कर रहे वरुण गांधी ने जिस तरह से कहा है, मैं सिर्फ अपनी मां के लिए आया हूँ, हमें किसी से कोई भी बैर नहीं है। पिता के नाते सुल्तानपुर पहले पितृभूमि था, अब सुल्तानपुर मेरी मातृभूमि है। माँ परमात्मा के बराबर शक्ति होती है, जब पूरी दुनिया साथ ना दे तो माँ कभी भी साथ नहीं छोड़ती है। और आज माँ, मैं अपनी माँ के लिए ही आया हूँ, ये कहा गया है वरुण गांधी की ओर से। आज एक अलग अंदाज में नजर आ रहे थे जब अपनी माँ के लिए वो चुनावी मैदान में थे, इस बार खुद चुनावी मैदान में नहीं है। क्या कहा, सुनिए जरा।